नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ अमर ते मैं तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हाँ इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच। एज कलर्स इज ऑल सैट एक नई उड़ान भरने के लिए एक नए शो के साथ, जिसमें एक तरफ आपको देखने को मिलेगा पंजाब का रंग तो दूसरी ओर देखने को मिलेगा कैनेडा का ढंग, और एक छोटी सी उम्मीद जो हम सबके दिल में होती है उस बड़े सपने को पाने की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आप मेरे साथ एक ऐसी ही उड़ान पर जा रहे हैं, पंजाब के मोगे शहर के संधू फैमिली के साथ। संधू फैमिली का बस एक ही सपना था, कनाडा जाके बसने का, लेकिन किसी कारणवश उनका ये सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। और अब वो ये सपना अपनी बेटियों की नज़रों से देखते हैं, जैस्मिन ते तेजो। लेकिन जहाँ तेजो को पिंड की खूबसूरती भाती है, वहीं जैस्मिन को कनाडा की चमक पसंद आती है, और फतेह को तो जैस्मिन के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो ऐसी ही एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर कलर्स आप लोगों के टीवी स्क्रीन्स पर आ रहा है मंडे टू सैटरडे 7 PM। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए मिलते हैं उडारियां की स्टारकास्ट से। ओ बल्ले बल्ले, इनकी तो पूरी तैयारियां हैं भाई कनाडा जाने की। मज़ा आ गया इनकी परफॉर्मेंस देख के। अब आप मुझे ये बताइए कितने लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं सरगुन को यहाँ देख के। सरगुन ने पर्दे पर रहकर तो हमारा दिल बखूबी जीता है, लेकिन अब सरगुन जी हमारा दिल जीतेंगी पर्दे के पीछे से। तो चलिए सरगुन जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी है इस उडारियां की। हाय हेलो एवरीबडी, तो ये शुरुआत हमने हाय हेलो एवरीबडी वाली बहुत साल पहले, मैंने 2009 में की थी और रवि ने 2004 या 2005 में टेलीविज़न इंडस्ट्री के साथ ही। और इतने सालों में हमें इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला है, हमने हर तरीके का शो किया है, नॉन फिक्शन किया है, फिक्शन किया है, डांस रियलिटी किया है, एंकर किया है, एंड वी हैव गार्नर्ड अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट। एंड वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, पंजाबी फिल्मों से शुरू करा, और हमें लगा कि हमारे पास एक कहानी है जो हम चाहते हैं कि नेशनली लोग देखें, सो व्हाट बेटर देन हिंदी टेलीविज़न, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं उडारियां। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, दिस इज़ जेन्युइनली लाइक आर फर्स्ट बेबी राइट हियर, एंड बहुत सारे सपने सजाए हमने इसके साथ। पंजाब बेस्ड फैमिली है, पंजाब बेस्ड शो है, तो टू गिव इट अ यूनिकनेस, टू गिव इट अ फ्लेवर, टू मेक श्योर दैट आप देश के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस शो को देखें, आपको पंजाब की मिट्टी की खुशबू ज़रूर आए। वी आर राइट हियर इन द हार्ट ऑफ पंजाब, वी आर शूटिंग इन चंडीगढ़, एंड कहानियाँ हम अक्सर ऐसी बहुत बार सुनते आए हैं, बट कहानी को कहने का अंदाज़ बदल जाता है। तो एक नए अंदाज़ के साथ हम कुछ नए किरदारों की कहानियाँ आपके पास लेकर आ रहे हैं। हम सब सपने देखते हैं, हमने सपना देखा था ये शो बनाने का, एंड टुडे इट्स टेकन फ्लाइट। वैसे ही बहुत सारे सपने लेकर जैस्मिन, तेजो और फतेह 15 मार्च से आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आ रहे हैं। दो परिवार हैं, एक परिवार जिसकी ज़िद है कनाडा जाने की, और एक परिवार है जिसे लगता है कि अपने ही देश को इतना सुधार लीजिए कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी हम पंजाब की बात करते हैं लोग कहते हैं अरे उनको तो सबको बाहर जाना है, अरे वहाँ पर तो कनाडा में तो पंजाबी बसे हैं, वहाँ तो पंजाबी ही बसे हैं, क्यों बसे हैं, हम क्या सोचते हैं। उनमें से कुछ किरदारों की कहानियाँ हम अपने तरीके में एक नए तरीके में लेकर आ रहे हैं कलर्स पर 7 PM 15th मार्च से। सी यू देन। थैंक यू सरगुन। तो जैसे दर्शक आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं आशा करती हूँ उडारियाँ को भी दर्शक उतना ही प्यार करेंगे। तो जैसे कि सरगुन का साथ जिंदगी में रवि जी ने बहुत निभाया है, इस शो के लिए भी रवि जी ने पूरा साथ उनका दिया है। तो चलिए रवि जी से भी जानते हैं उनके खुशी के हाल। This is a very, very big moment for both me and Sargun. After being in the industry for over 15 years, being a part of so many stories, itni sari kahaniyon ka hissa hone ke baad, itne sare kirdaron ko nibhane ke baad, and getting so much love from all of you, all the audience, the members of the media who are there today,
वी हैव फाइनली, आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं कि हम लोग उस लेवल पे आज हैं कि हम एक ऐसी कहानी कह पा रहे हैं जिस पे हम बहुत विश्वास करते हैं। तो मैं अपने बारे में क्या कहूँ, लेकिन सरगुन ने इस कहानी पे और इस शो पे बहुत मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इट विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू सी फ्रॉम द 15th ऑफ मार्च 7 PM ऑनवर्ड्स ऑन कलर्स। एंड वी आर लकी टू हैव कास्ट अ फैंटास्टिक सेट ऑफ पीपल इन द शो, ईशा, प्रियंका, अंकित एंड ऑल द अदर्स इन द शो होम यू विल गेट टू सी फ्रॉम द 15th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। आप लोगों ने बहुत 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 प्यार मुझे और सरगुन को दिया है, आप लोगों का आशीर्वाद ही है हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ये प्यार जो है बरसाते रहें ताकि ये जो नया एक नया डायमेंशन है क्रिएटिव इंडस्ट्री का, जिसे हम लोगों ने एम्ब्रेस किया है, जिसने हमको एम्ब्रेस किया है अस एज प्रोड्यूसर्स, हम यहाँ भी एक ऐसी पोजिशन पर पहुँच सकें कि हम आपको बार बार लगातार इंटरटेन करते रहें। सो मैं बार बार ये कहता हूँ दैट मी एंड सरगुन आर मेड ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट यू ऑल हैव सेंट टू अस, हम दुआओं के ही बने और इन दुआओं की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो कीप सेंडिंग अस दीज ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू कलर्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू टेल अ स्टोरी दैट वी ट्रूली बिलीव्ड इन, एंड थैंक यू सरगुन फॉर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक दिस प्रोजेक्ट व्हाट इट हैज बिकम, एंड आई कांट वेट फॉर पीपल टू सी इट। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ओके फ्रेंड्स, तो अभी अभी आपने जैस्मिन, तेजो और फतेह की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखी, और अब बारी है उनकी खट्टी मिट्टी सी केमिस्ट्री देखने का। हेलो, हाँ है सच्ची, रुक भी उड़े आई। ओए कितने चले? ओए तेजो, वो मेरी सहेली नहीं डिंपल, वो कह रही थी मैंने बड़ा ही सही जगह लगाया कनाडा जाने का, 2 मिनट में वीजा बनवा देगी। अच्छा, हाँ बैठ जा चुपचाप। पर क्यों? मुझे ये तो बैठने से पहले पूछना चाहिए था ना। देखिए इस तरह है मिस्टर फतेह सिंह विर, कि तू ना अपने काम से काम रख। जी वही तो रख रहा हूँ। ओ तेजो, मैं तो बस यार बात कर। जस्सू, तेरे को कनाडा जाना है तू जा, पर सही तरीके ना। ओ जी मैं तो कह रहा हूँ कनाडा जाने की जरूरत ही क्या है, यहाँ अपने इंडिया में किस चीज की कमी है? आपसे किसी ने सलाह मांगी? जी मेरा तो फर्ज है ना। तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि मेरी बहन से दूर रहो? ओ मिस तेजो, ऐसा है आजकल हर कोई एक दूसरे से दूर है, सोशल डिस्टेंसिंग ना। नॉट एट ऑल फनी। क्या तुमने क्या कहा अभी? क्या क्या कहा मैंने? कुछ मैंने तो आपसे कहना है। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुनना। आई लव यू। बट आई लव कनाडा। हाय ओ रब्बा, ये कहाँ दिल लगवा दिया मेरा। हाय ओ रब्बा, लगा देना मेरे कनाडे का वीजा। हाय ओ रब्बा, अक्ल दे मेरी बहन। तो हमने धमाकेदार परफॉर्मेंस भी देख ली, हमने उनकी जूसी केमिस्ट्री भी देख ली, तो अब बारी है उनसे गपशप करने की। तो मैं सरगुन को और स्टार कास्ट उडारिया को इनवाइट करना चाहूंगी। तो मेरा पहला सवाल है फतेह से। फतेह, आप तो पंजाब के गबरू बने हैं और साथ साथ बॉक्सर का भी रोल निभा रहे हैं, तो इस रोल को निभाने के लिए आपने क्या क्या स्पेशल प्रिपरेशन की थी? मैंने अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया। जैसे कि एक बॉक्सर, एक एथलीट को फिट होना चाहिए, एक अच्छा स्टेमिना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग बंद की, मैंने कैलिस्थेनिक शुरू किया, मैंने बॉडी वेट मूवमेंट्स शुरू किए, बॉडी वेट वर्कआउट शुरू किए। उससे मेरा स्टेमिना बिल्ट हुआ, क्योंकि जब भी ऐसे बॉक्सिंग वाले सीन्स होते हैं उसमें 3-4 घंटे यूजली आराम से लगते हैं एक सीन को शूट करने में। सो बाय द टाइम यू स्टार्ट एंड बाय द टाइम यू फिनिश इट शुड लुक द सेम, तो एनर्जी डाउन नहीं हो, ये सब नहीं हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की है और बॉक्सिंग की बेसिक ट्रेनिंग ली है। तो जैस्मिन, आपके पहले ही डेब्यू शो में आपको रवि और सरगुन जैसे बढ़िया और बहुत ही मंझे हुए एक्टर्स एज प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग टू हैव रवि सर एंड सरगुन मैम एज आर प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दो दे आर द एक्टर्स टू, तो काफ़ी ज़्यादा वो हमें हेल्प करते हैं, दे आर रियली सपोर्टिव, और हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है इन एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग रिलेटेड टू आर सेल्फ, तो बहुत हेल्प करते हैं, एंड थैंक्स टू देम जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड या इट इज़ गोइंग ऑन रियली वेल, और बहुत ही अच्छा जा रहा है सब कुछ। तो तेजो, आपका पंजाब जाकर वहाँ शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पंजाब के खेतों में घूमे घूमे कि नहीं? सो शूटिंग इन पंजाब इज़ वंडरफुल, वी गॉट टू सी सम रियली गुड लोकेशंस, ब्यूटीफुल सरसों के खेत, एंड द फूड इज़ रियली अमेजिंग, सो इट्स फन।
And okay, so if we talk about some moments, so we were shooting in February. So February में we were shooting, it was really cold. तो मेरा और फतेह का सीन था और इतनी ठंड थी कि we were shivering. हम लोग डायलॉग्स भी नहीं बोल पा रहे थे. सो स्पॉट दादा लोग, एवरीबॉडी वॉज देयर एंड दे वर हैविंग दिस हीटर इन देयर हैंड्स एंड हमें उस जो हम शिवर कर रहे थे उस चीज़ के लिए दे ऑल वर होल्डिंग हीटर. सो या दैट वॉज द मोमेंट. इट वॉज फनी एंड अमेजिंग. सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. तो आपका पहला शो है फतेह एज अ लीड, कैसा फील कर रहे हैं? आई थिंक इसका जवाब तो हर कोई दे सकता है. आई फील एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शुड फील. यार आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू डू दिस. दिस इज़ माय फर्स्ट सोलो लीड, तो खुशी का तो कोई ठिकाना है नहीं. बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. आप लोग देखो, हमारी मेहनत सफल हो, आप लोगों को पसंद आए तो हमें भी अच्छा लगेगा. तो जैस्मिन, ये जो एक कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं, इसका आपकी निजी ज़िंदगी से कितना इत्तेफाक आप रखती हैं या कितना रिलेट करती हैं इस कैरेक्टर के साथ? ओके, सो इन माई रियल लाइफ टू आई रिलेट 50% टू माई कैरेक्टर, बिकॉज जैस्मिन का जो कैरेक्टर है इट इज़ वेरी बबली, हैपनिंग, फन लविंग पर्सन. सो मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ. सो आई गेस ये कैरेक्टर मेरे लिए ही है एंड आई एम लविंग इट. बहुत मुझे मज़ा आ रहा है जैस्मिन का कैरेक्टर प्ले करके. एंड फॉर जैस्मिन कैनेडा इज एवरी थिंग, कैनेडा इज लाइफ. और वो कैनेडा को भी कैनेडा नहीं कनेडा प्रोनाउंस करती है. सो या इट्स जस्ट एवरी थिंग फॉर जैस्मिन एंड या एवरी थिंग इज गोइंग ऑन. तो तेजो, आप जो आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रूटेड है अपने कल्चर के साथ, अपने लोगों के साथ. तो आप निजी ज़िंदगी में कितना रिलेट करती हैं तेजो के कैरेक्टर के साथ? आई टोटली रिलेट माई सेल्फ टू तेजो, बिकॉज तेजो इज़ समवन हु इज़ अपनी फैमिली के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सोचती है, अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब करती है. एंड आई एम एग्जैक्टली लाइक दैट. मेरी फैमिली को जिस चीज़ में खुशी मिलती है मुझे भी उसी चीज़ में खुशी मिलती है. एंड इवन तेजो इज़ लाइक दैट. तो या आई कैन टोटली रिलेट. एंड फॉर तेजो, यस आई डिड वॉच सम पंजाबी मूवीज़ टू वर्क ऑन माई पंजाबी लैंग्वेज. तो मैंने कुछ पंजाबी मूवीज़ देखी. उसके अलावा मैंने आई वॉच वन मूवी आयना, जिसमें दो बहनों की स्टोरी है. सो आई डिड वॉच दैट. सो या, तो चलिए सरगुन जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी है इस उडारियां की. लाइक आई सेड, रवि बहुत सालों से टेलीविजन कर रहे हैं, मैं बहुत साल टेलीविजन किया, देन आई स्टेप्ड ऑन टू अ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बेस. और आई क्लोजली सॉ पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई और मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा. हम दोनों के पास दोनों का अच्छा एक्सपीरियंस था एंड वी वॉन्टेड टू अमेलगमेट बोथ द थाट्स. वी वॉन्टेड टू मेक श्योर कि हम पंजाब को नेशनली दिखा सकें, हमारे कैरेक्टर्स कैरिकेचरिश ना हो, वो टिपिकल पंजाब जो आप हमेशा देखते हैं बुर्रा आहू 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 वाला ना होकर, जो हम लोग रियल हैं. हम लोग सिर्फ सरसों का साग और मक्की की रोटी नहीं खाते हैं. लाइक आई थिंक इट्स जस्ट वो सरसों का साग मक्की की रोटी, वो लस्सी लिया, देर इज़ मोर एंड देर इज़ अ लॉट मोर. एंड विच इज़ वाई वी आर प्लेस्ड राइट हेयर इन पंजाब. एंड वी हैव ट्राइड आर लेवल बेस्ट कि हम अपने कैरेक्टर्स को एक नए लेंस से दिखाएं, इस कहानी को एक नए लेंस से बोलें. एंड वी आर रियली रियली होपिंग दैट यू विल एंजॉय द शो एज मच एज वी हैव एंजॉयड राइटिंग इट एंड प्रोड्यूसिंग इट. तो वो घड़ी जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, चलिए चलिए फटाफट से उडारियाँ की फोटो ऑप करते हैं. याद रखिए.